लेट्स डिस्कस क्वेश्चन 81 फ्रॉम एसएल रोहटा। अ ग्लास प्लेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेड 4 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.4 सेंटीमीटर, जिसका वेट है 20 ग्राम इन एयर। इट इज हेल्ड वर्टिकली विद लॉन्ग साइड हॉरिजेंटल एंड हाफ द प्लेट इज इमर्स इन वाटर। तो पूछा है कि अपेरेंट वेट कितना होगा और सरफेस टेंशन हमें गिवेन है। तो देखिए कंडीशन कुछ ऐसी है कि जो लॉन्ग साइड है उसकी वो वर्टिकली हेल्ड है, इस तरह से लॉन्गेस्ट साइड हॉरिजेंटल और जो 4 सेंटीमीटर साइड है वो वर्टिकली होगी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है इट इज हेल्ड वर्टिकली विद लॉन्ग साइड हॉरिजेंटल। मतलब इस तरह से उसको रखा गया है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हॉरिजेंटल आ रही, तो लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर, हाइट एक तरह से कह सकता हूँ यहाँ पर मैं वो 4 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस है वो 0.4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट डब्ल्यू है एयर में, ठीक है, तो जब वो किसी लिक्विड में इमर्स किया जाता है तो ब्योंट फोर्स उस पर ऊपर की तरफ लगती है, तो उसका जो अपेरेंट वेट है वो चेंज हो जाता है, मतलब उसका जो एक्चुअल वेट है वो चेंज हो जाता है। और क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और अपवर्ड फोर्स जो थ्रस्ट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, अप थ्रस्ट फोर्स, तो हम जो अपेरेंट वेट होता है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाला वेट है डब्ल्यू माइनस अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, ये तो नॉर्मली कंसेप्ट लगता है, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में सरफेस टेंशन भी गिवन है तो हमें उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब आपने पढ़ा होगा जैसे कोई भी फ्लूइड है तो उसकी जो अपर लेयर होती है ये वो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होगी, फोर्स का फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है एक्चुअली सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ। परपेंडिकुलर लेंथ मतलब जैसे यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट कोई एक पॉइंट पे मान लो, तो इस पर सरफेस टेंशन की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और जो लेंथ होगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इस तरफ लग रही है तो लेंथ उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले ही लेंगे हम। तो इसमें अपेरेंट वेट जो होगा, वेट ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो भी एक्चुअल वेट था उसका एयर में माइनस अप थ्रस्ट फोर्स, उसमें प्लस कर देंगे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन की जो फोर्स है वो नीचे लग रही है तो वेट की ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम उसको प्लस कर रहे हैं माइनस यू, क्योंकि ज्यादातर चीजें यहाँ पर सीजीएस यूनिट में दी हुई है तो इस क्वेश्चन को हम सीजीएस यूनिट में सॉल्व करेंगे। एक और चीज जो यहाँ पर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगी वो एक तो थिकनेस पर लगेगी और एक जो लेंथ होगी उस पर लगेगी, जो हाइट है उस पर नहीं लगेगी, क्योंकि हमें सिर्फ परपेंडिकुलर लेंथ को कंसिडर करना है। जैसे आप इसको देखें फोर्स जो लगती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, तो इसके परपेंडिकुलर लेंथ कौन कौन सी आ रही है, एक तो ये वाली यानी कि जो एल है और एक थिकनेस उसकी यानी कि जो टी है, क्योंकि जो ये हाइट है जो मैंने इसको एच 4 सेंटीमीटर माना है ये अलोंग दी फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन उसी डायरेक्शन में है, तो इसलिए मैं सरफेस टेंशन में हाइट को कंसिडर नहीं करूंगा। हाइट मैंने कितना माना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, जो यहाँ पर ब्रेड बोल रहे हैं मैंने उसको ऐसे हाइट बोल दिया क्योंकि हम उसको इस तरह से डुबो रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ एल और टी को कंसिडर करेंगे कि उसकी वजह से सरफेस टेंशन की जो फोर्स होगी वो एल और टी की वजह से होगी। और क्योंकि यहाँ पर दो साइड है, एक तो इस तरफ और इसके पीछे वाली साइड, तो दो साइड क्योंकि वाटर के साथ कांटेक्ट में है तो जो फोर्स होगी ड्यू टू सरफेस टेंशन उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, तो हम यहाँ पर करेंगे सिग्मा इंटू जो भी लेंथ लेंगे परपेंडिकुलर इंटू टू करेंगे, और इसके अलावा मैं बता देता हूँ यहाँ पर टू इंटू लेंथ कौन कौन सी लेंगे, एक तो हम लेंगे एल और एक हम लेंगे टी, इन दोनों की वजह से सरफेस टेंशन लगेगी, ठीक है, हम हाइट वाली जो 4 सेंटीमीटर है उसको नहीं ले रहे क्योंकि उसकी जो हाइट है एक तरह से जो साइड है इट इज अलोंग दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में सिग्मा वाली फोर्स लग रही है, सिग्मा वाली फोर्स का मतलब हो गया सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, तो वो सेम डायरेक्शन में है इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है उसमें एल प्लस टी ही क्यों ले रहे हैं। अब बात करते हैं अप थ्रस्ट फोर्स की, जो अप थ्रस्ट फोर्स होती है वो एक तरह से क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू में जी, यानी कि वेट ऑफ लिक्विड मतलब यहाँ पर वाटर है लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये डिस्प्लेस हुआ होगा ना, जितने पोर्शन में ये प्लेट अंदर गई होगी उतना वहां से वाटर हट गया होगा इनटू में जी, ठीक है, या फिर यू इक्वल टू वेट इक्वल टू क्या होता है एम जी, यानी कि
एम वेट इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पर जी की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो वी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा और वेट होता है एम जी, तो मैं यहाँ पर इसको अब जी की मल्टीप्लाई करेंगे, यू इक्वल टू एम को हम लिख सकते हैं जैसे डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो हम लेंगे यहाँ पर मास की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू में जी, और ये जो वॉल्यूम हम लेंगे इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ उतना पोर्शन जितना इसमें इमर्स्ड है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ प्लेट, ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट इमर्स्ड, जितना उसके अंदर ग्लास प्लेट गई है उसी का वॉल्यूम हमें कंसिडर करना है। तो अब सब कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा अप्लाई करना है, अब अपरेंट वेट निकालते हैं। तो अपरेंट वेट इक्वल टू हो जाएगा जो एक्चुअल वेट है एयर में, ठीक है, प्लस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन माइनस अप थ्रस्ट फोर्स। वेट ऑफ एयर कितना, वेट इन एयर कितना है 20 ग्राम, तो मैं इसको 20 g लिख रहा हूँ, ठीक है, जी की मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, हम सबको जी एफ में फाइंड करेंगे, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा 20 g प्लस सरफेस टेंशन की वजह से, मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2 सिग्मा इंटू एल प्लस टी, तो 2 सरफेस टेंशन कितनी है 70, एल कितना है 10 प्लस टी कितना है 0.4। एक और चीज, ये 1 gf इक्वल टू होता है 989, तो मैंने इसको 20 gf लिखा है, और क्योंकि ये आएगा फोर्स में तो इसको मैं 980 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये भी gf में आ जाएगा, माइनस अपथ्रस्ट फोर्स मतलब रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, तो पानी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1, तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ सीधा, रो वी जी डेंसिटी 1, वॉल्यूम हम कितने लेंगे एल बी एच के इक्वल, तो 10 इंटू 4 इंटू 0.4, लेकिन हाफ इमर्स है तो इसलिए इसको हाफ करना पड़ेगा, फिर रो वॉल्यूम होगी हाफ कर दिया, और जी की वैल्यू ना पुट करके हम इसको जी एफ लिखेंगे खाली, ठीक है, अब 20 gf, देखो तो इसमें हमने डिवाइड इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर जी नहीं था, इसलिए जी एफ कन्वर्ट करने के लिए 980 से डिवाइड कर दिया है, तो ये आएगा 1.48 gf और ये -8 gf, इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 13.48 ग्राम फोर्स। तो वैसे तो ये आर्ग्यूमेंट्स प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन सरफेस टेंशन भी हमें कंसीडर करनी है, तो इसलिए इसको हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड से यूज करके, मतलब यहाँ पर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, फोर्स इक्वल टू सिग्मा इंटू एल, वी हैव ड्राइव्ड आउट द फाइनल, और वी कैन से द अपेरेंट वेट ऑफ द ग्लास प्लेट इन लिक्विड, तो जो एक्चुअल वेट होगा 20 माइनस 8, तो रियल में हम करते ही हैं, बस सरफेस टेंशन की वजह से प्लस 1.48 और आ जाएगा,